मुंबई के अंधेरी मरोल में आओ मुस्कुराए एनजीओ की ट्रस्टी सलमा इमरान खान और एनजीओ के मेंबर्स द्वारा बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया गया। करीब 7-8 सालों से बच्चों के लिए इस पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी में बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। बच्चों ने पार्टी में खूब मस्ती की और डांस किया। बच्चों के लिए हर त्योहार में एनजीओ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं सलमा इमरान शेख आओ मुस्कुराए की ट्रस्टी हूँ और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। फंक्शंस वगैरह हम लोग पिछले 8-10 सालों से करते आए हैं, आओ मुस्कुराए का जो हमारा एनजीओ है वो, और हम सब टीम मिलकर ये सब कार्य करते हैं। समझो क्रिसमस पार्टी है तो हम लोग महीने भर पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और हमारे जगह में हर एरिया में हमारे कार्यकर्ता है जो उनके एरिया से 20-25 बच्चों को लाते हैं। ऐसे छोटे छोटे एरिया से सब आकर जमा होकर यहाँ पर ऐसे फंक्शन मिलकर करते हैं, मतलब पूरी टीम है, पूरी टीम साथ में मिलकर कार्य करती है। जी मेरा नाम है यूसुफ खान, मैं हमारी आओ मुस्कुराए का वन ऑफ द ट्रस्टी हूँ। ये एक्चुअली एक हमारा पूरा एक टीम वर्क है, हम लोग हमारी एक टीम बनाए हुए, हम लोग ने हर मोहल्ले के जैसे पार्ट वाइज ही लिया जाए तो 3-3 पार्ट में से हमारा एक मेंबर है, वो मेंबर उस अपने उस स्लम के उस हिस्से से वो 25-30 बच्चे लेके आते हैं। ऐसे हमारे तकरीबन 20-25 मेंबर है और वो 20-25 मेंबर के ऊपर हमारे और एक 8 मेंबर है, तो ये हमारी पूरी एक ज्वाइंट टीम का कोऑर्डिनेशन है जिससे हम लोग मिलकर तकरीबन 700-800 बच्चों को इकट्ठा करते हैं स्लम से। जो लोग को क्रिसमस सिर्फ उन लोगों को क्रिसमस और पार्टी सिर्फ टीवीओ में देखनी मिलती है, हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम उन लोगों को यहाँ लेके आए, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनके लिए वो सब चीजें प्रोवाइड करें जो एक टीम से जो हायर के बोल सकते हैं जो बच्चे लोग हैं, जो थोड़े बड़े घर के बच्चे लोग हैं वो कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। पिछले 4 साल से हम लोग इस बड़े पैमाने में करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम लोग अभी 5th ईयर में एंटर हो रहे हैं हमारी आओ मुस्कुराए टीम को लेकर वापिस से। हमारा जो एनजीओ है, एनजीओ का नाम ही अगर आप देखोगे तो आओ मुस्कुराए, ये बच्चों को हम एंजॉय करते हुए देखते हैं, जब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हो तो हमें भी अंदर से खुद ही मुस्कुराहट आ जाती है। एक अच्छा सा मैसेज, एक अच्छा सा संदेश पूरे देश को पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब एक ही देश के वासी हैं, हमारे यहाँ पे कोई दूसरे कास्ट का कोई कास्टिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन आर वेलकम हियर। बेसिकली अगर आप देखा जाएंगे तो ये प्योर हमारा एनजीओ का है, इसमें कोई पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर देखोगे हमारे बैनर्स भी तो हमारे बैनर्स आपको हर जगह पे आओ मुस्कुराई करके ही दिखेंगे। ये नॉन पॉलिटिकल है, ये प्योर बच्चों लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए और उनको एक छोटी सी खुशी पहुंचाने की कोशिश है। मैडम ये मुस्कुराए आओ मुस्कुराए करके एक है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, तो उसमें क्या होता है, ये सब टीम वर्क है इनका। जो संस्था में जो पदाधिकारी है, जो कमेटी है, उन्होंने ये बहुत कितने साल से करते हैं, कपल ऑफ इयर्स उन लोग ने चालू किया ये क्रिसमस बच्चों लोग के लिए, गरीब बच्चों लोग के लिए क्रिसमस का पार्टी। एंड प्लस उनका मेडिकल कैंप रहता है, मेडिकल कैंप रहता है, फिर बाद में उन्होंने एसएससी का प्रिपरेशन कोर्स का सेमिनार जैसे लेते हैं। 14 नवंबर में जो होता है बच्चों का चिल्ड्रन डे कहा जाता है, तो उसी समय पे हम लोग बच्चों को हर एरिया में जा जाके आओ मुस्कुराए टीम है जो हमारे इमरान भाई, सलीम भाई, इन सारे लोग से मिलके कैडबरी कलेक्ट करके फिर बच्चों को हम लोग टॉयस और कैडबरी देते हैं। तो ये टाइम पे तो हम लोग बच्चों का ड्राइंग का एग्जाम भी लिया है, कंपटीशन भी किया था, ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों को हर एरिया में जा जाके कैडबरी देना, हर एक एरिया का कोना, जितने 75 में लोग रहते हैं हर एक कोने कोने में जाके हम उनको कैडबरी देते हैं आओ मुस्कुराए टीम की तरफ से। और उसके साथ साथ किसी का दवा खाने का कोई प्रॉब्लम है या किसी का कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे का एडमिशन का है, बच्चे का फीस का है, तो आओ मुस्कुराए टीम की वजह से वो लोग को कितने सारे फायदे हो जाते हैं। यानी मैं कहने की जाओ खत्म नहीं होगी, इतने सारे आओ मुस्कुराए टीम ने आज तक काम भी किए।